आज पाउडर इतना ज्यादा लगा लिया है रमशा, मतलब नहा के निकले वैसे लगा लिया, एकदम चिपक गया। मेरे एक मामू थे तो वो जो है पाउडर हमेशा शायद पहले लगाते हो, एकदम वाइट जब लगाते थे एकदम गला वाला एकदम वाइट रहता था उनका। आज उनकी याद आ गई। रमशा को काम दिया है अपना, मेरा पैन कार्ड जो है बहुत पुराना हो गया, 10-15 साल पुराना पैन कार्ड है, तो कुछ काम में वो में चाहिए था पैन कार्ड, लेकिन वो रीड नहीं कर रहा है, तो वही उसकी एप्लीकेशन फिर से करी डाली है, डाल रही है रमशा, कि वो नया बनकर आए तो शायद कोई काम हो। और हम एकदम रेडी हैं, निकल रहे हैं कुछ काम के लिए, वो भी बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत खुश होंगे और आपकी दुआओं से हम भी एकदम ठीक हैं। अभी एक दो काम हैं जो बाहर के निपटाने हैं, बारिश नहीं हो रही है हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा उमस और गर्मी हो रही है। पहले जाना है हमजा की, एक दो दवा ख़त्म हो गई है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि वो ऐसे ही कंटिन्यू चलेगी या बंद होनी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमजा अपनी शॉप पर चले गए हैं। उसके बाद जाना है बैंक अपना एटीएम के लिए अप्लाई करना, पता नहीं कहाँ है, अभी तक मिला ही नहीं, तब से सोच रहे हैं चले जाएं लेकिन जाना नहीं हो पा रहा है। चलिए दो तीन काम निपटा लें, और रमशा तो मेरा काम कर ही रही हैं, मतलब वो पैन कार्ड को रीअप्लाई कर रही हैं, पता नहीं कुछ गड़बड़ हो गई है। चलिए निकलते हैं, चलिए निकला जाए, चलो अल्लाह हाफिज़। देखते हैं आज फिर से कितने काम होते हैं। और देखिए बारिश की वजह से सारे कपड़े जो हैं, हमने बोला है ना रेलिंग पे हम लोग सुखाते हैं, चलिए निकला जाए। ₹10 हाँ होंगे, देखा हाँ हाँ कर लिया है डॉक्टर से कंसल्ट, दवा भी ले ली है, अब दूसरे काम के लिए चला जाए। चलिए आज दूसरे काम के लिए भी पहुंच गए हैं फाइनली बैंक, अब अपना फटाफट काम करवा जाए। धूप नहीं भी है और है भी, दोनों चीजें हैं। हाँ ये तो है सर, लेकिन बस हो गया। रिकॉर्डिंग कर रही है क्या? है नहीं, नहीं आपका नहीं, अपना काम। तो बैंक यहाँ से शिफ्ट हो गया है कहीं और, हम बहुत टाइम के बाद आए हैं। अब चलिए दूसरी शाखा चलते हैं, उन्हें कहा जहाँ शिफ्ट हुआ है उसका एड्रेस बताया है, वो पूछा रिकॉर्डिंग कर रही है क्या। चलिए पहुँच गए हैं, और पता है इस ब्रांच को यहाँ शिफ्ट हुए 1.5 साल हो गया है, मतलब हम 1.5 साल से बैंक आए नहीं हैं। अब ये भी है, चलिए देखें, बड़ी भीड़ है, तो हमें मिलेगा एंट्री, काम होगा कि नहीं होगा कुछ नहीं पता, फिलहाल अंदर चलते हैं। आधा काम हुआ आधा नहीं हुआ, एक एप्लीकेशन ड्रॉप करी तब एटीएम को उन्होंने ब्लॉक किया, क्योंकि हमने एटीएम ब्लॉक नहीं किया था। अब जो नया हमें एटीएम लेना है उसके लिए एक फॉर्म फिल किया, आधार कार्ड की कॉपी चाहिए, तो आधा वो हम लाए नहीं हैं, लेकिन मेरे मेल पे अब जा रहे हैं उसको निकलवाए, तब आगे का प्रोसीजर होगा। चलिए देखते हैं कुछ कोई शॉप मिल जाए इधर इस एरिया में। फाइनली निकल गया है फोटो स्टेट,
अब फिर से बैंक जाना है। दौड़ दौड़ दौड़, बिना दौड़ धूप के कोई काम नहीं होता है, कुछ भी आसान नहीं है कुछ भी। चलिए वापस आ गए हैं, पता है मतलब 2-2.5 घंटे लगे हैं हमें बैंक में, कहने को तो इतना छोटा काम है। लाइट ऑन करने बहुत अंधेरा है और इस कदर टाइम लगा है, बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा रश, इधर जाना उधर जाना। चलिए फिलहाल के लिए अभी तो ऊपर चलते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काम हो गया है। बस पानी वगैरह पी लिया, इतनी धूप इतनी गर्मी लग रही थी और इतना टाइम टेकन ये सारी चीज़ें प्रोसेस होता है क्या बताएं। और हमें मिल गई घर आके चाय, चलिए चाय पीते हैं, और भूख बहुत ज़बरदस्त सी लग रही है, चाय पी ले फिर खाना भी खाएंगे। अब है लंच टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह घर वापस आ गए हैं और भूख शायद इसलिए भी ज़्यादा तेज़ लग रही है क्योंकि बिरयानी है जो रात में बनी थी, और बिरयानी और कढ़ी दो चीज़ ऐसी होती हैं जो बासी खाने में बहुत मज़ा आता है, तो फिलहाल इसीलिए ज़्यादा सी बनती है कि कम से कम 2-3 टाइम तो खाई जाए। तो हम जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी खाने, चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। चलिए जिम चला जाए, 1-2 दिन हो गए हैं गए नहीं हैं, बहुत टाइम हो गया, अब जिम की बारी। के बाद ही होती है मोस्टली, फिर अब नहाए धोएंगे और उसके बाद फिर देखते हैं क्या बनाएंगे। बस जिम से लौटते वक्त लौकी ले आए थे, आज सोशल लौकी का पतला पतला सा सालन जो होता है वो बना लेंगे। चलिए चाय अपनी खत्म करते हैं। हमजा पीछे देखो, तो चलिए हम लोगों के डिनर का टाइम हो गया है, जा रहे बिस्मिल्लाह करने, और बना है आज लौकी का सालन, हम भाई हमजा के लिए ही बनाया है जो हम भी खाएंगे, एकदम पतला पतला हल्के मसाले का, थोड़ा नमक मिर्च और क्या कहते हैं तेल वेल सब कम, तो अच्छा ही है, सभी की सेहत सुधर रही है। चलिए हम बिस्मिल्लाह करते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। नेक्स्ट डे हो गया है और हमें जाना था अमीनाबाद कुछ सामान लेने के लिए, लेकिन बारिश जैसे लग रहा है बहुत ज़बरदस्त होने वाली, समझ में नहीं आ रहा है करें क्या, जाएं या नहीं जाएं, यहीं पे अटके हुए, अब देखते हैं जाते हैं कि नहीं। बोल रहे थे बारिश हो जाएगी बारिश हो जाएगी, और हम पूरे अमीनाबाद बारिश में भीगते हुए आए, लेकिन पहुंच गए फिलहाल जिस शॉप पे आना था पहुंच गए, बहुत अच्छी टॉय शॉप है ये, देखते हैं जो हमें चाहिए मिलेगा। अपना जो भी गिफ्ट चाहिए था ले लिया है इन भाई की दुकान से, बहुत अच्छी शॉप है, बहुत बढ़िया माशाल्लाह, और चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय। चलो जी वालेकुम, चलो जी चला जाए, सामान ले लिया है, अब गिफ्ट रैप करवाना है वो भी ज़रूरी है किसी को गिफ्ट देने के लिए,
तो वो भी शॉप पास में मिल गई। और यहाँ पे भी बड़ा अच्छा अच्छा सामान है बर्थडे का, और भी बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। घर आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी जबरदस्त बारिश, ऐसी बारिश क्या बताएं, मतलब हमने भी गाड़ी रोकी नहीं, हमने कहा आज हम गाड़ी नहीं रोकेंगे और जहाँ पहुँचना है वहाँ टाइम से पहुँच जाएं। बाल बाल देखिए, हेलमेट लगाओ, बालों का बुरा हाल हो जाता है। चलिए अब ऊपर चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो आज है पोपी भाई का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे पोपी भाई, और सिमरन आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। पार्टी तो बनती है, तो जब भी हम लोग मिलेंगे तब आपको पार्टी देनी है अपनी बर्थडे की। हाँ, गिफ्ट भी मिलेगा, पार्टी मिलेगी तो गिफ्ट भी मिलेगा, जैसा कि आपने फ़ोन पर कहा। तो वंस अगेन हैप्पी बर्थडे पोपी भाई। बारिश का पानी आँख में गया, आँख में बहुत ज़्यादा लाल, एकदम रेड हो गई थी, एकदम लाल। और एक काम और हो गया, हम इतनी बारिश हो रही थी भीगते हुए गए, वहाँ पर हमने गाड़ी खड़ी की और चाबी निकालना भूल गए। जो काम करना था वो सब किया, और जब कहा कि चाबी निकाल के वापस चलते हैं तो देखा चाबी नहीं मिली। तो सामने एक शॉप थी, हमने पूछा भैया इसमें चाबी लगी थी, कहें हाँ। ईमानदारी और ईमानदार लोग अभी बहुत हैं दुनिया में। थैंक यू सो मच। आप पता नहीं ये व्लॉग देखेंगे नहीं देखेंगे, कहाँ देखेंगे, इतने तो फ़िलहाल हम फेमस हैं नहीं, लेकिन तब भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बस अब आज का व्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हमको अपनी दुआओं में याद रखिए। अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।